मतदान की तारीख के नजदीक आते ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाया था, बागेश्वर उपचुनाव में इस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एक कदम आकर कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं। भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और बागेश्वर ने हमेशा कांग्रेस को कष्ट के समय में, चुनौती के समय में, आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी के बाद हो, हमेशा ताकत दी है, शक्ति दी है और मुझे भरोसा है कि बागेश्वर की जनता जनार्दन फिर हमको शक्ति देगी और इस जीत में बसंत कभी हमारे आंगन में भी तो आना चाहिए।